एक दिन सप्तऋषि आए, भगवान शिव से ना राघव जी ने एक बात कही है आकर। राघव जी प्रकट हुए, बाबा से कहा, महादेव आज कुछ मांगने आया हूँ। क्या मांगने? मैं चाहता हूँ आप विवाह कर लीजिए। बाबा ने कहा, प्रभु लोग गृहस्थी छोड़ के वैरागी बनते हैं, हम वैरागी बन चुके हैं, आप वापस पीछे ढकेल रहे हैं गृहस्थी में। प्रमोशन होना अच्छी बात है, प्रमोशन से डिमोशन हो रहा है, तो विवाह करने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन अब मेरे स्वामी की आज्ञा है तो मैं अवश्य आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। प्रभु अंतर ध्यान है, सप्त ऋषि जब आए ना तो महादेव ने सप्त ऋषियों से कहा, जाकर जरा पार्वती की परीक्षा लीजिए, उनका प्रेम कैसा है, जरा उस प्रेम की परीक्षा लीजिए। सप्त ऋषि मैया के पास पहुंचे, मैया जी से कहा, देवी ये इतनी कठिन साधना क्यों कर रही हैं? मैया जी ने कहा, मैं देवादि देव महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। इतना सुनते ही सप्त ऋषि जोर से हंसे। मैया ने कहा, आप हंस क्यों रहे हैं? सप्त ऋषियों ने कहा, आपकी बात सुनकर हंसी आ गई। वैसे आपको ये उल्टी सलाह दी किसने है कि आप महादेव को पाने के लिए इतनी कठिन तपस्या करो? मैया ने कहा, मेरे गुरुदेव नारद जी ने मुझसे कहा है। सप्त ऋषि और जोर से हंसे, अरे हमें तो पहले ही समझ जाना था, ऐसी उल्टी सीधी सलाह नारद बाबा के सिवा और देगा का? सुनिए, उनको पाने में कोई लाभ नहीं है, अरे उनके लिए इतनी कठिन तपस्या। हम तो कहते हैं, अगर वो बिना तपस्या के लिए भी खुद आके कहते देवी विवाह के लिए और कोई कहता तो भी आपको नहीं करना चाहिए। क्यों? अरे महादेव, ना रहने का ठिकाना, ना भोजन की व्यवस्था, और आप देखती हैं कैसा अमंगल वेश बनाए घूमते हैं हमने। अच्छा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है ज्यादा? अज हूँ मान हूँ कहा हमारा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, हमारी बात मान लो। मैया ने कहा, क्या बात मानो? सप्त ऋषियों ने कहा, हम तुम कहाँ वर कर विचार, हमने आपके लिए ना बहुत बढ़िया दूल्हा ढूंढ के रखा है। मैया ने कहा, वो कौन है? बोला, वो वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु है ना, श्रीपति पूर्व वैकुंठ निवासी भगवान विष्णु से आपका विवाह करा देंगे। ये महादेव के लिए छोड़िए, महादेव सिर्फ कुछ नहीं मिलना, वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु सर्वगुण संपन्न है, उनसे आपका विवाह कराएंगे, आप ये तपस्या छोड़िए, चलिए हमारे साथ। मैया जी ने कहा, ऋषिवरों, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जी कर मन रम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। भले मेरे महादेव अवगुण के भंडार हैं, विष्णु भगवान गुण के भंडार हैं, लेकिन जिसका मन जिससे जुड़ जाए उसके लिए उससे अच्छा दूसरा कुछ भी नहीं होता। सप्त ऋषि वापस महादेव के पास गए, मैया की निष्ठा का वर्णन किया, प्रेम की चर्चा की, सुनते सुनते बाबा समाधि में बैठ गए। इधर तारकासुर नाम का राक्षस जो देवताओं पर त्रास करने लगा, सभी देवता व्याकुल हुए, पहुंच के गए ब्रह्मा जी के पास, कैसे मरेगा? ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर ने वरदान मांगा है, भोले बाबा के अंश से तेज से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसके हाथों तारकासुर की मृत्यु होगी। देवताओं ने कहा, भगवान शिव के अंश से, अभी तो बाबा समाधि में बैठे हैं, अभी तो विवाह भी नहीं हुआ, कब विवाह होगा, कब पुत्र होगा, इतने दिन तक इसका झेलना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, तो एक काम करो, जाके समाधि खुलवा दो। इंद्रदेव देवताओं ने कहा, बाबा की तपस्या भंग करने जो गया ना, तारकासुर तो बदिया में मारेगा, वो तो बाद में मारेगा, बाबा तो पट्टा ही खत्म करेंगे, कौन जाएगा? सबने कामदेव को याद किया, कामदेव से कहा, आप जाइए और बाबा की समाधि खुलवा दीजिए। कामदेव ने कहा, हम नहीं जाएंगे,
देवताओं ने कहा पर हम आपको जाते हुए देखना चाहते हैं। कामदेव ने कहा जाते हुए तो सभी देखोगे, आते हुए कोई ना देखोगे, मुझे पता है मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर भी गया कामदेव, बहुत प्रयास किया, बाबा ने नेत्र नहीं खोले। अब काम ने आम का सहारा लिया, आम के पेड़ पे जाके काम बैठे, पुष्प का धनुष बाण निकाला, बाण का संधान किया। जैसे ही बाण छोड़ा है, बाबा के हृदय का लक्ष्य साधा, बाबा ने नेत्र खोले, दाएं देखा बाएं देखा, समक्ष दृष्टिपात की, कोई नहीं दिखा, लेकिन आम के वृक्ष में कुछ हलचल दिखाई दी। बाबा ने ऊपर देखा, आम के पेड़ के पीछे काम छिपा है। बाबा ने तक्षण तीसरे नेत्र को खोला और एक निमिष मात्र के भीतर काम को जलाकर भस्मीभूत कर दिया। काम जलकर भस्म हुआ, काम की पत्नी रति आई रोती हुई, स्वामी के बिना जीकर क्या करूंगी। कामदेव को तो भस्म किया था, पर अगले क्षण जो रति आई है उसको बाबा ने आशीर्वाद दिया। जीवन में क्रोध आना ठीक है, पर क्रोध कंट्रोल में रहे, उतना ही क्रोध होना चाहिए। भगवान शिव ने रति से कहा, देवी जब जद वंश कृष्ण अवतारा, होई हई हरण महामहि भारा, कृष्ण तनय होई हई पति तोरा। भगवान श्री कृष्ण का जो पुत्र होगा प्रद्युम्न, वही तेरा पति कामदेव होगा। रति आशीष दिया, रति गई। बाबा के सामने सारे देवता तुरंत हाजिर हो गए, हाथ जोड़े, अब एक एक करके स्तुति करने लगे, जय जयकार करने लगे। एक ने कहा, बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय हो। बाबा नहीं बोले। दूसरे देवता ने कहा, भी देखो हम जय घोष करेंगे तो बोलेंगे। बोलिए बाबा वैद्यनाथ भगवान की जय हो। बाबा अभी भी नहीं बोले। तब तक तीसरे ने कहा, बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। बाबा ने कहा, जय जय बाद में करना, पहले ये बताओ कहाँ हमारे आए के ही है तू, कारण बताओ, काम क्या है, क्यों आए हो। देवताओं ने कहा कि ब्रह्मा जी से हमारा काम हो गया, बाप बताओ। अब ब्रह्मा जी ने कहा, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछा, निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हारे विवाह। ब्रह्मा जी ने कहा, ये सारे देवता ना आपका घर बसते हुए देखना चाहते हैं, सब नाथ सोच रहे हैं अपनी आंखों से आपके बारात को देखें, आपका विवाह देखें, तो बस ये चाहते हैं कि आप विवाह कर लो, आपका बढ़िया सुखी संसार बस जाए। बाबा ने कहा, इनको हमारी चिंता नहीं, वो तो तारकासुर की मार पड़ी है तो भागे भागे, हमारे गृहस्थी की चिंता होती तो तब आते जब सती ने देह त्यागा था, अब आए हैं, लेकिन इनके लिए नहीं, पर उनके लिए मैं अवश्य विवाह करूंगा। जैसे बाबा ने हाँ भरी है, मुहूर्त निकला है बारात प्रस्थान के लिए, अच्छा ये सारे देवता गायब, अपने अपने लोक में पहुंच गए, अब पहुंच के क्या कर रहे हैं, तैयारी किस बात की, बारात जाने की, खुद सज रहे हैं, खुद सजने से पहले अपनी गाड़ी घोड़े को सजा रहे हैं, विमान सजा रहे हैं, कुबेर अपने पुष्पक विमान को सजा रहे हैं, इंद्रदेव अपने ऐरावत को बढ़िया तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर यमराज ने भी सोचा, हम ही काहे पीछे रहे, यमराज का भैंसा काला है तो क्या हुआ, तैयारी तो पूरी होगी। यमराज अपने भैंसे को सजाने लगे, जब सभी तैयारी करके बिल्कुल सुनियंत्रित हो करके यहाँ खड़े हैं, इधर क्या घटना घट रही है, कैलाश पर्वत सारे जो शिवगढ़ हैं वो बैठे हुए हैं। शिवगढ़ ने कहा, बाबा बारात जाने का समय हो गया, एक को दिखाई नहीं पड़ रहे अभी तक, आप अभी तैयार नहीं हैं, बारात प्रस्थान का मुहूर्त हो गया है, कोई आ नहीं रहा है। बाबा ने कहा, तो हमें तैयारी की जरूरत क्या है, जैसे हैं वैसे चलेंगे। शिवगढ़ों ने कहा, ऐसे जाएंगे, बोला बिल्कुल, बोला नहीं नहीं नहीं, कुछ श्रृंगार तो आपका, आज आप दूल्हा बनेंगे बाबा, तो कोई श्रृंगार तो होना चाहिए। बाबा ने कहा, श्रृंगार तो तुम ही कर दो।
शिवगरु ने कहा हम कर दें। अब बेचारे शिवगरु ने क्या पता श्रृंगार कौन सी चिड़िया का नाम है। शिवगरु ने अब सोचिए जीवन में कभी खुद नहीं सजे हैं और पहले अटेम्प्ट में दूल्हे का टेंडर मिल गया, सजाइए। अब शिवगणों ने सजाना शुरू किया। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि श्रृंगार कैसा है। शिव ही शंभु गण करे सिंगारा जटा मुकुट हरि मोहना। दूसरे ने कहा लाख टोपी पहनाओ लेकिन जब तक दूल्हे के मुख पे सेहरा ना लगे मोरा ना लगे तो पहचान कैसे हो कि दूल्हा कौन। आजकल तो आप देखते हो काऊ काऊ तो अपने शादी की शेरवानी पहन के दूसरे के ब्याह में चले जाते हैं, अब कैसे पता चले कौन दूल्हा, वो तो मोरा बताता है कि कौन है। अब शिवगणो ने सोचा मोरा, बाबा ने कहा ये मोरा क्या होता है। शिवगणों ने कहा बाबा आपके चेहरे के आगे लरियां लरियां सी लटकेंगी। बाबा ने कहा इसका काम क्या होता है। बोला कि ज्यादा कुछ नहीं, विवाह के समय तक पहनना होता है। बाबा ने कहा उसके बाद, बोला उसके बाद गंगा मैया में प्रवाहित। बाबा ने कहा जब जिसको दोबारा धारण ही नहीं करना है, एक बात सुनो, शिव अपने मस्तक पर एक बार जिनको धारण कर लेंगे उसको दोबारा कभी अपने शीश से उतारने वाले नहीं है, तो सोच समझ के पहनाना जो पहनाना। शिवगणों ने कहा तो लड़ियां चाहिए मोर चाहिए कैसे होगा। तब तक 30-40 सांप बढ़िया मस्त होके नाच रहे थे। आज बाबा का विवाह है, आज स्वामी का विवाह है। एक शिवगण गए और शिवगण ने जाके कहा 3 MM वाले जितने हो सब आ गए, जो भी दुबले पतले हैं सारे लोग आगे आए। 2-4 मोटे मोटे आने लगे। शिवगण ने कहा ना 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 तुम नहीं वापस, खाली पतर के आएंगे। अब वो दूल्हे पतले सांप आए, 20-30 सांपों को पकड़ा, सारे सांपों के पूंछ को ऊपर बांधा, मुंह को नीचे किया। अब जैसे ही बाबा के मुकुट में वो लगाया, जटाओं में लगाया, अब बाबा का ऐसा मोहरा तैयार हुआ है संसार का पहला लाइव चलता फिरता मोहरा। अपने मन से ऊपर, अपने मन से दाएं, अपने मन से बाएं, बाबा को कोई कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। शिवगणों ने कहा लो मोरा तैयार है। दूसरे ने कहा मोरा भर से काम चल जाएगा। अरे दूल्हे को उबटन लगता है, 4 दिन पहले ना लगा क्या सही, कुछ तो पाउडर की व्यवस्था करो सरकार के शरीर पे लगे। अच्छा अभी व्यवस्था करते हैं। एक गया गढ़ श्मशान घाट पहुंचा, एक चिता अभी अभी शांत हुई थी, राख ली, आया बाबा के पूरे शरीर पे पोत दिया, लगाया नहीं पोत दिया। बाबा के पूरे शरीर पर एक तो वैसे ही कर्पूर गौरम है, नीला कंठ है, और आज बाबा के शरीर पर राख मिली। एक शिवगण ने कहा हार चाहिए। एक उसमें से मोटे वाले को बुलाया, बोला काम है आओ, उसको लाया गया, बाबा के गले में लपेटा, बोला हार का काम खत्म। दूसरे ने कहा
कहा एक हार से काम चलेगा क्या, ये तो गले का चोकर हो गया। एक बड़ा वाला चाहिए। बोला पहले बताना था, जहाँ पाउडर था वही दूसरा हार था, अभी लाते हैं। फिर से श्मशान पहुंचा, मुंड पड़े थे नरमुंड, सारे 20-30 नरमुंडों को उठाया। एक बड़ा सा सर्प फिर बुलाया, तेरा भी काम आ जाओ। वो भी आया, सारे सर्प के भीतर सारे मुंडों को पिरोया, बाबा के गले में डाला। संसार मुंडों में माला पहनती है, मेरे देवाधिदेव महादेव मुंडों की माला पहनते। शिवगढ़ ने क्या किया, एक हाथ में डमरू दिया, एक हाथ में त्रिशूल दिया। बाबा प्रसन्न हुए, आज मेरे बच्चों ने इतना सुंदर मुझे सजाया। बाबा खड़े हुए, लगे डमरू बजाने आनंद में। तब तक शिवगढ़ो ने कहा, अरे बाबा को कुछ पहनाया तो है ही, क्या पहनाए, क्या पहनाया जाए। तब तक दूसरे शिवगढ़ ने कहा, परेशानी की बिल्कुल चिंता नहीं, जिस पे बाबा बैठते हैं वही पहनाएंगे। बाघाम पर उठाया, लपेटते हैं खुल गया, फिर लपेटा खुल गया, वो कौन सा बाघाम पर में जिप लगी होगी। तब तक तीसरे चौथे उस मोटे सांप को बुलाया, आजा तुम्हारा भी काम है, पर तुम्हारे लिए खास ड्यूटी है। बोला चलो काम में तो लगाओ। बोला ना ना, पहले जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सुनो। हिलना नहीं है, ठीक है, नाचना नहीं है, ठीक है, कोई नाचे गावे कूदे फांदे नाचे कहीं चला जाए, तुमको अपनी जगह से हिलना। पर कहां की ड्यूटी दे रहे हो, बाबा के बाघाम्बर से बांधना है। चलो बाघाम्बर ली, एक सर्प से बांधा, बाबा का अद्भुत स्वरूप तैयार है। शिवगढ़ों ने कहा, क्या अद्भुत रूप है। देव आए, देवताओं की पत्नियां आई, जैसे देव पत्नियां आई, देव पत्नियों ने गढ़ों से कहा, बाबा कहाँ है। शिवगढ़ों ने कहा, हमने सजाया, जाके देखो पहाड़ के पीछे बैठे, हमने श्रृंगार किया। गई देवताओं की पत्नियां, हे राम ये दूल्हा। दूसरे ने कहा, ये। शिवगढ़ों ने कहा, हाँ ये। बोला ये, बोला हाँ ये, हमने सजाया। देवताओं की पत्नियों ने कहा, इस दूल्हे के लायक दुल्हन है संसार में। जैसे ही शिवगढ़ों ने कहा, आज देखो क्या अद्भुत स्वरूप है बाबा का। देवताओं की पत्नियां कहती हैं, इस दूल्हे के लायक दुल्हन मिलना तो मुश्किल है, लेकिन ठीक है। सारे देवता आए, देवताओं ने बाबा का स्वरूप देखा, देवता कहने लगे, ये जाएंगे तो इनका तो छोड़ो, हमारी भी एंट्री ना होनी है हिमाचल नगरी में। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा करिए, बर अनुरूप बरात ना भाई, हंसी करई हो पर उड़ जाई। ये नहीं कह रहे कि बरात के अनुरूप दूल्हा नहीं है, क्या कहा, दूल्हे के अनुरूप बरात नहीं है। तो क्या किया जाए, देवताओं से कहा, आप सब लोग आगे आगे चलो। सारे देवों का समाज आगे चल पड़ा, बाबा पीछे हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जानते हैं कि महादेव केवल देवों के नाथ नहीं, भूतों के भी नाथ हैं। जब तक ये रहेंगे तब तक वो कैसे आएंगे। देवता आगे निकल गए, नंदी महाराज ने कहा, बाबा बराती भाग गए, कहिए तो एक ही बार में दौड़ूं और बरातियों को पिछाड़ के आगे पहुंच जाऊं। बाबा ने कहा, कहीं नहीं जाना, खड़े रहो, कहीं नहीं। पर बाबा बराती, बोला ये हमारे वाले बराती थे ही नहीं। बोला तो कहाँ है बराती, बिना बराती के जाएंगे बाबा। बोला हमारे वाले तो आए ही नहीं। गढ़ों ने कहा, हमारे वालों को किसी ने बुलाया ही नहीं। बाबा ने कहा, हमारे वाले बिना बुलाए आते, यही कहीं होंगे, एक बार अभी आवाज लगाओ, सब हाजिर हो जाएंगे। गढ़ों ने आवाज लगाई, हर हर महादेव। जैसे ही आवाज लगाई, आते ही भूत प्रेत पिशाच शाकनी दातनी डायन चुड़ैल मुड़वा जितने होते हैं सब हाजिर हुए। बाबा को प्रणाम किया, अब लगे मगन होके नाचने गाने कि आज हमारे स्वामी का विवाह है। कोई ऐसा है जिसके मुख ही नहीं है, कोई ऐसा है जिसके मुख के सिवा कुछ नहीं है, किसके एक भी हाथ नहीं है, किसी के पेट में से हाथ निकला हुआ है, किसी के पांव है कि कोई बिना पांव के भागा जा रहा है नाचते हुए। ऐसी
अद्भुत बारात आई है। अब बाबा चले हैं हिमाचल नगरी के लिए, तो आइए हम और आप भी जरा आनंद के साथ बाबा के बारात में शामिल होते हैं। हो देखो नंदी पे चढ़ के आया, देखो नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। देखो नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। हो देखो नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। देखो नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया।
Thank you.
पहले खातिरदारी किसकी होगी? देवताओं की। तो सारे देवता आगे पहुंचे। अब बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, वो बारात की अगुवाई करने जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बैठ गए आप? बैठ चुके हो तो आगे शुरू करें। एक बार अच्छे से जय घोष करिए, हर हर महादेव। अब कुछ नहीं बोलना, शान। तो हुआ ये, सारे देवताओं का स्वागत करने के लिए हिमाचल नगरी के जो श्रेष्ठ हैं वो पहुंचे थे, कोई हाथी पे, कोई घोड़ा पे बैठ बैठ के सब पहुंचे। कोई माला पहना रहा है, कोई मिष्ठान खिला रहा है, कोई शरबत पिला रहा है, कोई जल लेकर खड़ा है। बरातियों का स्वागत होने लगा। एक बाबा जी थे, एक वृद्ध थे, गए थे अगुवाई के लिए बारात का स्वागत करने। तब तक निगाह पड़ी भगवान विष्णु पे, मिठाई की थाली किनारे रख के लगे मगन होके देखने। बार बार देख के आनंद में आए। भगवान विष्णु से जाकर कहा, आप ही हैं ना? भगवान ने कहा, हम तो हम हैं, पर क्या हैं? बोला, छुपाइए मत, आप ही हैं ना। भगवान ने कहा, क्या है? बोला, दूल्हा। आप ही दूल्हा है ना, छुपाइए मत, हम समझ गए, हम पहचान गए। भगवान विष्णु ने कहा, बाबा हम दूल्हा नहीं है, हम बराती हैं। अब तो बाबा थाली सिर पे रख के लगे नाचने। भगवान विष्णु ने कहा, बाबा अब नाच काए रहे हो? बाबा ने कहा, सोच के नाच रहे हैं, जब बराती इतने सुंदर हैं तो दुल्हवा कितना सुंदर होगा। भगवान ने भी रोका नहीं, भगवान ने भी सोचा, नाच लो बाबा, नाच लो, का पता तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नाच होवे। असली वाले को देखने के बाद पता नहीं प्राण बचे कि पखेरे उड़ जाए। तो आराम से अब इधर जलपान कोई देवता करा रहा है आनंद में सा। इधर हुआ ये, अब एक बार चूंकि सारे भूत प्रेत अब हिमाचल नगरी के पास पहुंच गए, तो वो जय घोष के उन्होंने हर हर महादेव ऐसी ही आवाज गई। तो बारात के वहां घराती लोगों ने कहा, पीछे और बाराती हैं क्या? देवता तो समझ गए कि एंट्री होने वाली है। देवताओं ने कहा, आप किसी भी प्रकार के शोरगुल पर ध्यान मत दीजिए, जो है हम हैं, इसके सिवा कोई नहीं है, आप बस लगे रहिए। तब तक एक देवता को एक अगवान माला पहना रहे थे।
दूसरा ग्लास में शरबत डाल रहे थे। इतने में डालते डालते जो नीचे देख रहे थे, लगा हाथ कांपने, ग्लास भर गया, शरबत नीचे गिर रहा थर 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 थर। बाजू वाले ने कहा, नीचे देखो गिर रहा है। इसने कहा, ऊपर देखो आ रहा है। कौन आ रहा है? तब तक एक आया ऐसा बराती जिसके एक सिर नहीं है, बिना सिर के आके बाजू में खड़ा। अब आकर के कहता है, अरे बाबा बड़ा माला पहना रहे हो, हमको एक माला नहीं पहनाओगे का? बाबा ने कहा, इनको देख के तो हमें लगता है हमारी अर्थी पे माला चढ़ जाएगा, ऐसी विषम अवस्था। अच्छा, जो हाथी घोड़े पे बैठ के आए थे, ये वाहन पहले भाग गए, बराती पटक दिया। अब ये बराती बेचारे पड़े पड़े अब ना भाग सकते हैं ना रुक सकते हैं। देखते देखते अनगिनत संख्या में भूत प्रेत पिशाच। अरे बाबा खाली देश के भूतों के स्वामी नहीं है, विदेश वाले भूतों का स्वामी कौन होगा? बाबा पूरे विश्व के भूतनाथ हैं। तो सब आए थे, सारे बराती बनके आज भूत प्रेत उतरे। अब ये बेचारे बाबा जी थर थर कांप रहे हैं, तब तक भूत करीब आते हुए दिखाई दिए। अब ये बेचारे कहते हैं, अब तो भगवान ही बचा सकता है। बाबा जी खड़े खड़े कहते हैं, राम 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 राम। तब तक भूत यहाँ आ गया, कहते मरा 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 मरा। बाबा ने कहा, हे भगवान ये बरात है, अच्छा इनके तो प्राण जैसे तैसे टिके हैं, ये तो जैसे तैसे। एक बराती कहते हैं, बाबा सबका तो रहने का बता दिया, हमारी ठहरने की व्यवस्था कहाँ कराई है? बाबा ने कहा, आपको कौन ठहरा सकता है, सब आपका है, जहाँ मन हो वहाँ ठहर जाओ, कौन आपको ठहराए? तब इधर क्या हुआ, जो घर की माताएं थी ना हिमाचल नगरी में, छोटे छोटे बच्चे गए थे बारात देखने, माताओं ने कहा देख के आओ बारात आई कि नहीं आई। बच्चे पहुंचे और जैसे बराती देखे आए, भागे, दरवाजा बंद किए, कोई तख्त के नीचे, कोई पलंग के नीचे, कोई दरवाजे के पीछे, जिसको जहां जगह मिली सब छुप गए। माताओं ने कहा, छुप क्यों रहे हो, क्या हुआ, बारात आ गई कि नहीं? बच्चों ने कहा, बारात देखने भेजी थी कि हमारी हत्या करवाने भेजी थी, कैसो प्राण बचा के आए हैं? बच्चों ने दरवाजा बंद किया, माताओं ने कहा, अरे इतने शुभ दिन पे कोई दरवाजा बंद करता है क्या? दरवाजा खोलो, हमें बारात देखनी है। बच्चों ने कहा, माई दरवाजा बंद कर, एक तो भीतर आया तो भीतर वाले ऊपर पहुंच जाओगे, एक तो घर आती नहीं बचोगे। ऐसा क्या हो गया? बोला, बारात यमराज की सेना आई है, यमराज की सेना। अच्छा दूल्हा कैसा है? बच्चों ने कहा, असली यमराज तो वही है, वही तो लेके आया, ये तो सब पीछे पीछे आए। बच्चों की बात में ये समझ नहीं पाती है कि क्या हो गया। बच्चे कहते हैं, अरे ऐसन बारात नहीं देखो अब तक जिया हो धक्का धक्। ¡Gracias!
हिमाचल नगरी में आई है। और इधर क्या हुआ, जब बाबा पहुंचे हैं वहां, मैया आज परछन करने के लिए खड़ी है, रानी मैना। मैना मैया ने सोचा अपने जमाई राजा की इतनी सुंदर आरती उतारूं, एक कई बार तो मौका मिलेगा, फिर कहां मौका लगेगा, ऐसी आरती उतारूं कि जमाई भी याद करे कि हमारी सासू मैया ने कितनी भव्य आरती उतारी थी। मैया थाली लेकर द्वार पे खड़ी है, द्वार पे खड़ी। अब मैया भी बरातियों को देख देख के मगन हो रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। मैया मन ही मन कहती है, एक ने कहा कि अच्छा ये बताओ ये शुभ अवसर कैसे आया, बोला नारद जी की कृपा से ये दिन मिला है। तब तक नारद जी आ गए, मैया ने कहा जय हो नारद जी, बाबा आपका जितना धन्यवाद करूं कम है, इतना सुंदर। अरे मैं तो यही सोच रही हूँ, अगर बराती, अच्छी बात बताइए इसमें से मेरा जमाई कौन है। उनको देखा भगवान विष्णु को, बोला ये हमारे जमाई राजा है क्या। नारद जी ने कहा अरे मैया कैसी छोटी बात करती हो, ये तो आपके जमाई के खास लोगों में से ये जमाई नहीं है। इंद्रदेव को देख के, ये हमारा जमाई, ना ना ये भी जान पहचान वाले हैं। मैया आनंद में, बताओ जान पहचान वाले ऐसे तो दुल्हा जी कैसे। मैया ने कहा जय हो नारद जी, आपका कैसे धन्यवाद करूं, अरे मैं तो यही सोच रही हूँ बराती इतनी सुंदर, दुल्हा कितना सुंदर होगा। मैया ने कहा ओ मैया बाद में भी यही बात बोलो तब तो अच्छा है। नारद जी ने कहा लोग बाद में भूल जाते हैं। मैया ने कहा ना ना हम तो एहसान मानेंगे जिंदगी भर। तब तब नारद जी समझ गए असली वाले के आने का समय। नारद जी ने कहा मैया हम थोड़ा मिलजुल के आते हैं, बहुत लोग आए। नारद जी चले गए। अब बाबा आए बैल पे बैठ के, अब वो भी उल्टा, बैल का मुंह आगे बाबा का मुंह पाछे। अब रानी मैना ने जब देखा, पहले ये हुआ वृषभ पूजा, वाहन पूजा, बैल जी, नंदी बाबा उल्टे भय तो भोले बाबा सीधे भय। अब मैया का भी पूरा ध्यान बाबा के स्वरूप पर नहीं गया, क्योंकि सारा ध्यान आरती पर है। तो मैया ने आरती की थाल घुमाई, अच्छा एक बार घुमाई तो जो मोरा लटक रहे थे ना लाई वाले, वो गरम गरम आरती की लो उनको लगी, तो उन्होंने सोचा सहलो सहलो, बाबा का ब्याह है इतना कष्ट सहलो। पर भाव भाव में मैया मैना रुकी नहीं, मैना मैया दोबारा आरती घुमाई, थोड़ा और नजदीक हो गई, इस बार भी सह गए। लेकिन जब तिवारा भी मैना मैया ने आरती की थाल घुमाई, अब इन्होंने कहा बाबा अब ये नहीं बर्दाश्त होगा, सबके सब फन फैला के एक बार में खड़े हुए, फुकार मांगी, जैसे मैना मैया ने देखा थाली छोड़ी, कुछ इधर गई कुछ उधर गई, मैना मैया बेहोश होके गिर गई। मैना मैया को लेकर कक्ष में पहुंचे, शिवगढ़ों ने कहा बाबा, महादेव ने कहा हाँ बाबा लौट चलो। बाबा ने कहा अभी तो ब्याह ना भया है, कहाँ से लौट चले, बाबा ब्याह करना भी नहीं है, हमें उचित नहीं लगता कि यहाँ आपका विवाह हो। बाबा ने कहा क्यों, गड़ों ने कहा बाबा अपमान हो गया। बाबा ने कहा ये कैसे पता चला, बोला जब से हिमाचल नगरी में प्रवेश किया है जो देखता है देखते ही दरवाजा बंद कर लेता है। बाबा ने कहा ना 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 ये अपमान नहीं है, हर नगर के क्षेत्र के अपने रीति रिवाज होते हैं, यहाँ का रिवाज होगा दुल्हा देखो दरवाजा बंद करो। अच्छा बाबा ये तो रीति है, पर अभी अभी आपकी सासू माँ आरती की थाली पटक के गई है, ये कहाँ का रिवाज है। बाबा ने कहा तुम मेरी सासू माँ के स्नेह को नहीं समझ रहे हो, सासू माँ एक दीपक जलाकर आरती उतारने आई थी, मस्तक पर चमकते चंद्रमा को देख लिया, सोचने लगी 24 घंटे जिसकी आरती चंद्रदेव उतार रहे हैं, एक बाती से उसकी क्या आरती उतारू, तो आरती की थाल धर दी। बोला और जल से भरा लोटा पटका उसका क्या। बाबा ने कहा मस्तक पे गंगा मैया भी है, मैया ने सोचा होगा जिसको 24 घंटे गंगा माँ अर्घ प्रदान कर रही हैं, एक लोटे जल से मैं क्या अर्घ चढ़ाऊंगी। बाबा ने इतना सुंदर अर्थ निकाला। इधर मैना मैया कमरे में बैठी कक्ष में रो रही है, पार्वती जी को गोद में बिठाया, कूद जाऊंगी प्राण दे दूंगी पर इस बावले भर से अपनी बिटिया का विवाह नहीं करूंगी। तब तक एक सखी बोल पड़ी ये बताओ ये दुल्हा सजेस किसने किया था, ये दुल्हा बताया कौन है।
अब तो नारद जी याद आ गए लगी रानी मैना। नारद पर मैं काह बिगाड़ा भवन मोर जिन बसत उजारा। मैंने क्या बिगाड़ा था नारद का, मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। नारद अगर मिल जाए छोड़ूंगी नहीं, जरूर पूछूंगी क्यों ऐसा किया। तब तक नारद जी आ गए, अकेले नहीं आए, सप्त ऋषियों के साथ आए। नारद जी ने कहा मैया बिटिया आपकी एक जन्म की है, पर जो द्वार पे खड़े हैं शक्ति उनकी हर जन्म की है। जिनकी शक्ति है उनको समर्पित कर दो। अब पुनः एक बार मैया का श्रृंगार हुआ, नगर को सजाया गया, बाबा का विवाह संपन्न कराया गया। कन्यादान सिंदूर भावरी आदि समस्त लोक रीतियों के साथ बाबा जब मंडप से उठने लगे विवाह के बाद, तब तक एक नाउन आई और बाबा के चरण पकड़ के बैठ गई। बाबा ने कहा अब क्या समस्या, बोला नहीं जाने देंगे। बाबा ने कहा जाना है, विवाह तो हो गया, अब क्या, बोला नेग चाहिए। बाबा ने कहा हमको देख के भी कोई नेग मांगे वो हमसे बड़ा विचित्र आदमी है। बाबा ने कहा हम क्या नेग देंगे, बोला इतने बड़े राजा हिमाचल के जमाई है, नेग तो लेंगे। बाबा ने कहा जो पास है वही देंगे, ठीक है। बाबा ने कहा नेग थोड़ा भारी है, संभलेगा नहीं, आंख बंद करके बैठ जाओ। ना उन चरण पकड़े थी, आंख बंद करके बैठ गई। गिरिजा के विवाह में उछाह भयो तीनों लोक, भावर के पड़े सुख होते नारी नर को। ना उन मृग नयनी तब हंस हंस के कहने लगी, ले हो मैं नेग तब उठने दई हो वर को, बिना नेग लिए उठने नहीं दूंगी। बाबा ने नेत्र बंद कराए, हाथ से एक सर्प खोला। लीनो है नाग मुठी दीनो है ना इनको, और मारी फुपकार छोड़ी भाग चली घर को। मंडप में बैठे सब देव हंस के कहने लगे, अरे अरे खाली ना जाओ नेग लिए जाओ वर को। ये बेचारी बैठी थी सोचने लगी इतने बड़े राजा के जमाई राजा हैं, एक हार से कम भी भला क्या देंगे। अब आंख बंद है पता नहीं चल रहा है, सोचे कि छूने से तो पता चलेगा। बाबा ने सांप खोल के हाथ में धर दिया। अब ये जैसे इसने मसला, और तो छोटा ही हो लेकिन ऐसी फुफकार मारी, ये सोचने लगी हार होगा, हीरा होगा, मोती होगा। बाबा ने कहा हार तो है पर वो है जो खाली हम अफोर्ड कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं, एक वो डिजाइन जो मेरे पास। जैसे नेत्र खुले फुफकार देखी उनको तो छोड़ा, बाकियों से जो नेग लेके आई थी वो भी वही छोड़ दिया भागी। देवताओं ने कहा नेग, वो चिल्लाई हमारा वाला भी धर ले, हमारे प्राण बच गए, ये सबसे बड़ा नेग है। ये तो बाबा का विवाह रहा।